दोस्तों, आज हमारे सामने है हम सफर ट्रैवल्स की प्रकाश वेगा बस। इस गाड़ी की रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी में यहाँ पर सिंगल प्रोजेक्टर ड्यूअल हैलोजन सेटअप मिलता है हेडलैम्प्स में। यहाँ पर इंडिकेटर है, यहाँ पर फॉग लैंप है और यहाँ पर एडिशनल फॉग लैंप है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दो एडिशनल हेडलैम्प भी लगाए गए हैं। यहाँ पर प्रकाश का लोगो है और ग्रिल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार लगती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको लैमिनेटेड विंडस्क्रीन मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड मिरर के साथ, और यहाँ पर ऑक्सिलरी मिरर लगाया गया है। और इस साइड में देख सकते हैं गाड़ी की जो ग्राफिक्स है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। यहाँ पर थम्स अप ट्रैवल्स की 28th एनिवर्सरी का यहाँ पर लगाया गया है लोगो, देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस गाड़ी का इमरजेंसी एग्जिट है। इमरजेंसी एग्जिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 से 3 स्टेप है और यहाँ पर इस गाड़ी का इमरजेंसी एग्जिट है। गाड़ी के फ्रंट एक्सल की बात कर लें तो इस गाड़ी में आपको 295/80 R22.5 सेक्शन के टायर मिलते हैं। फ्रंट एक्सल पर आपको लिफ्ट सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पर एक साइड इंडिकेटर है और यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे 3 स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इस गाड़ी का स्टोरेज कंपार्टमेंट है, काफी बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर फ्लोरिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रीमियम क्लास लिखा गया है और यहाँ पर हम सफर की बैचिंग है। और देख सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी का रियर एक्सल, रियर एक्सल पर आपको इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन मिल जाता है। और इसी के साथ साथ देख सकते हैं गाड़ी का स्टोरेज कंपार्टमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं इस गाड़ी का ये रियर लुक काफी शानदार लगता है रियर लुक। यहाँ पर दो ब्रेक लैंप है, यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर एक रिवर्स लैंप और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट भी दिया गया है। यहाँ पर प्रकाश की बैचिंग है, यहाँ पर प्रकाश का लोगो है। अपर साइड में गाड़ी के हाइट मार्कर लैंप है और रिफ्लेक्टर काफी शानदार लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी का जो साइड लुक है काफी शानदार लगती है ग्राफिक्स। यहाँ पर ग्रीन, येलो, व्हाइट काफी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है गाड़ी का, और मतलब दूर से ही गाड़ी दिख जाएगी आपको। इसी के साथ साथ देख सकते हैं अपर साइड में गाड़ी का एसी यूनिट है, यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी का फ्यूल पोर्ट है और यहाँ पर गाड़ी का साइड मार्कर लैंप है जिसमें हैंडल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप, प्रकाश की लोगो यहाँ पर बना हुआ है, व्हील कैप भी लगी हुई गाड़ी पर, एयर फिल्टर गाड़ी का इस प्रकार यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इसे दो फुट स्टेप है गाड़ी में। यहाँ पर एक गाड़ी का शानदार स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर गेज, यहाँ पर दो प्रेशर गेज, यहाँ पर स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज और गाड़ी का बैटरी वोल्टेज गेज। यहाँ पर पैसेंजर बेल्ट डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, अगर पैसेंजर को कोई तकलीफ होगी तो इस साइड में दिख जाता है कि कौन से पैसेंजर को तकलीफ है। और यहाँ पर गाड़ी का 9-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, एडिशनल कंट्रोल्स है गाड़ी के वो यहाँ पर दिए गए हैं। गाड़ी के हॉर्न्स, लाइट्स की कंट्रोल्स और यहाँ पर वाइपर की कंट्रोल्स है। अशोक लैंड का लोगो है। यहाँ पर इस बीच का एसी का यूनिट है, यहाँ पर एक्सीलेटर ब्रेक और इस साइड में क्लच। इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूमेटिक असिस्टेड डोर मिलता है। इस साइड में इस गाड़ी का न्यूमेटिक सिलेंडर, यहाँ पर स्टेप दी गई है, अगर डोर खुलता है तो ये स्टेप बाहर आती है। यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे 3 फुट स्टेप है। इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं रेड कलर में काफी शानदार कर्टन है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 2x1 स्लीपिंग लेआउट मिलता है, देख सकते हैं। यहाँ पर पिलोज है, यहाँ पर बैक सपोर्ट, दो मोबाइल होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है जिसमें आपको प्लग और यूएसबी पोर्ट मिलता है। यहाँ पर रीडिंग लैंप मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में भी आपको रीडिंग लैंप और इसी के नीचे चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पर सील ग्लास मिलता है आपको और यहाँ पर दो एसी वेंट, यहाँ पर एक स्पीकर, यहाँ पर एक कॉमन एसी वेंट और यहाँ पर शुरैक मिलता है जिसमें बॉटल होल्डर्स भी आपको मिल जाते हैं। बर्थ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अगर कोई सोलो ट्रैवल करना चाहता है तो यहाँ पर एक सोलो ट्रैवल बर्थ भी मिलता है आपको, देख सकते हैं। यहाँ पर नंबरिंग की गई है और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पर रीडिंग लैंप है और इसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पर एक एसी वेंट है, यहाँ पर एक स्पीकर है, यहाँ पर एक कॉमन एसी वेंट है। यहाँ पर आपको ग्लास तोड़ने के लिए इमरजेंसी हैमर मिलता है, यहाँ पर शुरैक और बॉटल होल्डर से। और डाउन साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ग्रास फ्लोरिंग दी गई है और एंटी स्किड विनल फ्लोरिंग भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है और काफी बेहतरीन इंटीरियर इस गाड़ी का। यहाँ पर देख सकते हैं इस गाड़ी का ये रूफ हैच है जिसमें फैन भी लगा हुआ है। यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर प्रकाश एसएम कनप ऑटोमोबाइल्स की बैचिंग है जिन्होंने गाड़ी बनाई है। सीरियल नंबर आप देख सकते हैं और गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर, इस गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2018 है और सीरियल नंबर 210 है। यहाँ पर पार्टीशन डोर है और जो गाड़ी का कैबिन सेक्शन है वो भी काफी शानदार है।